थोड़ा सा अगर हम ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होने वाला है अगर उस पर हम बात करते चले, उसकी टीम सिलेक्शन के बारे में, काफी प्लेयर्स इन हुए हैं आउट हुए हैं, अगर फिर भाई हम पाकिस्तान टीम दिखा सके तो जरा गुफ्तगू करने में आसानी हो जाएगी। ऑब्वियसली कैप्टन और वाइस कैप्टन तो जो हमारे हैं वो हैं, उनको तो खैर उस पर कोई बात ही ना की जाए। अब्दुल्ला शफीक सलमान उसके अलावा हैं, अभी हमारे पास प्लेयर्स के नामों की लिस्ट भी आ जाती है। अजहर अलीज शान ऑब्वियस मसूद की है, वापसी हुई है, शान मैं उसी तरफ आ रहा था, मसूद की शान मसूद वापसी की हुई है वापसी टीम हुई में, है विच इज अ गुड जी साइन। जी बिल्कुल जी। सऊद शकील हैं, शाहीन आफरीदी, शान मसूद, जाहिद महमूद, तो प्रीटी मच इमाम उल हक जी है वो भी आप उसके लाइन में नजर आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान की, डू यू सी इट एज अ बैलेंस स्क्वाड? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ बैलेंस स्क्वाड, और इफ एनीथिंग वहां पर नसीम शाह जो है, बिकॉज पिछली कायद आजम ट्रॉफी में वो बड़ा जबरदस्त रिदम था, PSL में भी वो डिफरेंट बॉलर लग रहे हैं, और आई थिंक विद द रेड बॉल इज अ डिफरेंट बॉलर, विद द रेड बॉल इज बेटर देन यू नो क्वाइट अ नंबर ऑफ गाइज। सो बट ही इज देयर इन द रिजर्व्स, इफ पाकिस्तान नीड्स हिम तो वो उसको फिर भी खिला सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल बैलेंस स्क्वाड। हारिस रऊफ की भी आप देखें कि लेटली वो क्रिकेट जितनी खेले हैं तो विकेट ले रहे हैं हर जगह, तो इट्स अ गुड एडिशन एज वेल। तो साउथ शकील जब लास्ट खेले थे इंग्लैंड में वनडे, ही गॉट रन्स, तो ही इज देयर। फवाद आलम शानदार फॉर्म में है, काफी एक साल से पूरी सेंचुरियां की हैं, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी वो सिलेक्ट हुए हैं। सो ही इज समबडी जिस पे पाकिस्तान की टीम जो है रिलाई करती है इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स। आई थिंक ये बड़ा बैलेंस है स्क्वाड, और पाकिस्तान का बेस्ट अवेलेबल यही है, और आई थिंक इट शुड बी अ गुड सीरीज इफ दीस बॉयज पुट अप अ गुड शो। असमान जैसे हम बात कर रहे थे कि शान मसूद की हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक ही डिजर्व द पॉइंट। और फिर आबिद अली का ड्रॉप हो जाना, डू यू थिंक दैट वाज ऑन कार्ड्स कि आबिद अली को जाना था बाहर? जी सलमान, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आई है जब आपने आबिद अली के बारे में क्या पूछा, या वो मैंने कहा रिप्लेस आबिद अली का टीम से बाहर जाना और शान मसूद को उनको रिप्लेस करना सिलेक्टर्स के लिए निस्बतन आसान डिसीजन था, क्योंकि आबिद अली की परफॉर्मेंस तुम्हारे सामने है। नहीं, आबिद अली अपनी परफॉर्मेंस से नहीं बाहर हुए, आबिद अली ने तो अभी वो सेंचुरी लास्ट में की है। आबिद अली तो इसलिए बाहर हुए हैं कि उनकी स्टंटिंग हुई है, उनको हार्ट का इशू हुआ था बिल्कुल, मैं उन्होंने सॉरी, मैच। मैं माजत कर गया, मैं माजत को गलत कह गया, लेकिन शान मसूद उनकी एक लॉजिकल रिप्लेसमेंट बनती है। बिल्कुल, शान मसूद ने इस साल ट्रॉफी जो कायद अजम ट्रॉफी है उसमें 3 सेंचुरियां मारी हैं उसने 5 मैचेस के अंदर, और उसके बाद जो उसने अभी तक PSL में परफॉर्मेंस दी है वो अपनी यू नो इज एट ऑन टॉप ऑफ इस गेम, फॉर्म अपनी कैरी कर रहे हैं, 4 डे क्रिकेट भी अच्छी खेली, T20 भी अच्छा खेल रहे हैं। सो ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, और आई थिंक ही शुड गो अहेड एंड प्ले द गेम अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स, क्योंकि उसकी फॉर्म सबसे अच्छी लगी हुई है।